すごいね。नारा लगाना है DITS हमारा, हमारा एक ही नारा है, DITS हमारा है, हमारा एक ही नारा है, DITS हमारा है, हमारा एक ही नारा है, DITS हमारा है, अलास्ते, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, CPS जिंदाबाद रहेगा। मेरा नाम सीमा है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर DRO ब्रांच में कार्य करती हूँ। हमारी मांगे हैं कि DITS का केंद्रीयकरण किया जाए और जो हमारे जो हमें HKRN में किया गया है, जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं, सबको DITS में वापस लाया जाए। और हमारी मांगे ये हैं कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, और उसके बाद हमारी जो कोई इंसिडेंट कोई भी ऐसा हो जाता है हमारे किसी भी एम्प्लॉई के साथ, तो वो सेफ़ नहीं है, उसको सेफ्टी दिलाई जाए। जैसे कि कोई भी कार्यरत है हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है इन केस, तो उसको कोई भी सेफ्टी सरकार की तरफ से नहीं दी जाती हमारे स्टाफ को। और हमारी मांगे बस यही हैं कि जो हमें, हम जो यहाँ बैठे हैं, कि समय पर हमें सैलरी मिलती रहे और हमें DITS में वापस किया जाए। हमारे यहाँ पे सापला, महम, कलानोर, लाखन माजरा, रोहतक DC ऑफिस, मिनी सेक्रेट, सारे एम्प्लॉई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये जब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती। अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हमारी कंटिन्यू हड़ताल चलती रहेगी। मेरा नाम है मनोज अहलावत, कंप्यूटर प्रोफेशनल। आज आप बैठे हो हड़ताल आपकी, जी हमारी बहुत सालों से सरकार से कुछ डिमांड है जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। हमने पहले भी इसमें लिखित संदेश दिए हैं सरकार को, लिखित में अपनी डिमांडें मांगी हैं, परंतु सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये पिछले 15-20 साल की लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, क्योंकि कुछ साथी समझते हैं कि नई लड़ाई है, पर ये 15-20 साल पुरानी लड़ाई है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमको पहले ठेकेदारी प्रथा में थे, उसके बाद हमको HKRN में कर दिया गया, जो दूसरा ठेकेदार है एक तरीके से, क्योंकि वो भी कमीशन खाता है सरकार से, और जो यहाँ से फीस इकट्ठी होती है उसी फीस को हमारी सैलरी के रूप में दे दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहले तो हमारे लिए अलग से बजट का निर्धारण किया जाए, उसके अलावा जो भी DITS के कर्मचारी जिनको HKRN में डाला गया है वापस DITS में करा जाए और उसका केंद्रीयकरण किया जाए, सभी साथियों को पक्का किया जाए, और जब तक पक्का नहीं होते तब तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए 58 साल तक। उसके अलावा हमें कोई भी सुविधा जैसे एक्स ग्रेशिया या अंडली वगैरह या कोई भी इस तरह की सुविधा जो रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है वो हमें नहीं दी जाती। तो हमारी डिमांडें हैं कि मेन डिमांड हमारी यही है कि हमें पक्का किया जाए, और जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक जॉब सिक्योरिटी हमको दी जाए। CPS क्या है? CPS जिंदाबाद आपने लगाया है? ये कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है। जब पहली बार सरकार ने कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस किए गए थे उस टाइम पे बताया गया था कि उस टाइम पे कंप्यूटर वाले साथी हैं, सबसे पहले कंप्यूटर वाले साथियों को लिया गया था,
तो उसके बाद इसमें एमटीएस के कर्मचारी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कहते हैं और पीएन वो सभी इसका पार्ट हैं। तो हड़ताल कब तक चलेगी? हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार हमारी सारी मांगों को नहीं मानती तब तक हम सभी हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सर मेरा नाम आशा भारती है और मैं तहसील ऑफिस में रोहतक में ऑपरेटर हूँ, और हड़ताल हमने इसलिए की है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम 2-3 बार हड़ताल भी कर चुके हैं और जैसे कि कोई भी मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं की गई है। सरकार से यही निवेदन है कि जिस जैसे हमें नियमित करा जाए, सबसे पहले तो पहली मांग हमारी है कि हमें पक्का करो, दूसरा हमारा 58 साल तक की जो पॉलिसी है वो दी जाए, तीसरा हमारा समान काम और समान वेतन, ये चीज़ें हैं, और एक हमारी पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमें इन फ्यूचर कोई जॉब से ना निकाले, हमारी सिक्योरिटी दी जाए जॉब की। बेनिफिट सर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना तो मेडिकल का बेनिफिट मिल रहा, बाई चांस किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसके लिए हमारे जो मतलब ये DITS है या जो भी कुछ है, फिलहाल हमारे लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, जैसे गवर्नमेंट में मिलती है सुविधाएं ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और सैलरी भी बहुत ही कम है, हम सैलरी से भी सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी, और 15-20 साल से जैसे हमारे और भी साथे लगे हुए हैं उनकी भी सैलरी बिल्कुल नाममात्र है। तो बस यही है हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को सुनकर, और न ही हम हड़ताल पर बैठना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं सैटरडे संडे को भी हमें ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें मतलब जो हमें चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हमने तंग आकर बहुत ही मजबूर होकर ये हड़ताल करी है, और हम बिल्कुल भी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते कि भाई हमारी वजह से कोई परेशान हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी फैमिली है, हम बस यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारी मांगे मान के और हम अच्छी तरह से सेटिस्फाई करके